यस रोलिंग। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि आप सब यहाँ पर आ रहे हैं मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। बूम में तो आज ही नहीं। कुलदीपक मतलब घर का चिराग, यू कैन से दैट। और जी चिराग और शो इज़ ऑल अबाउट एज आई टोल्ड यू कि एक माँ की जर्नी है जो अपने बच्चे को गलत रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर लेकर आती है। तो उसका वो पूरा स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रांग मदर है, कैसे सब करते हैं। इट्स अबाउट जैसे कि एक डेट आप स्पेसिफिक कर रहे थे कि इस डेट को नहीं होना चाहिए, तो क्या ये हॉरर शो है कुछ? देखिए तरह से टेलीविजन लगातार घूमता रहा है कि अंधविश्वासों में, तो नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप 27 मार्च से देखिए हमारा शो तो पता चलेगा क्या है, सस्पेंस है, हॉरर है, कॉमेडी, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। मैम आप थोड़ा इलैबोरेट कीजिए आपके कैरेक्टर को, किस तरह का कैरेक्टर है, ये फेमिनिस्ट है या अंधविश्वास कैरेक्टर? अच्छा, ये जो विद्या है ये पहले तो ये माता की भक्त है। ये जैसे आपने पहले प्रोमो में देखा होगा कि वो माता की मूर्ति बना रही है, तो उसके वो एक आर्टिस्ट है, वो माता की मूर्ति बनाती है और उसके साथ साथ वो बिलीव भी बहुत करती है। वो कहती है कि ये मूर्ति जो बनाती है वो एक श्रद्धा है जिसके वजह से वो इतनी सुंदर मूर्तियाँ बना लेती है। तो इट्स कनेक्शन बिटवीन इस माँ का उस माँ से। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्या क्या विद्या के कैरेक्टर के बारे में, जितनी स्ट्रांग वो अपने विश्वास को लेकर है उतनी स्ट्रांग वो अपने परवरिश को लेकर भी है। एंड या शो गुजराती, हम राजकोट फैमिली राजकोट से है, पुरोहित फैमिली गुजराती फैमिली दिखाई है। एक्चुअली फेमिनिस्ट विद्या नहीं है, फेमिनिस्ट मेरा कैरेक्टर जो उनके हस्बैंड का है वो है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट करता है, भले ही उन दोनों के कॉन्ट्रास्टिंग बिलीव्स हैं, ये मानती हैं भगवान में, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत स्ट्रांग है एज अ कपल, क्योंकि ये इनके बिलीफ की इज्जत करते हैं और ये मेरे बिलीफ की इज्जत करती है, कोई फोर्स नहीं करता है। सो द मेल कैरेक्टर इज द फेमिनिस्ट, इट शुड बी लाइक आई फेमिनिस्ट होना चाहिए और वो कैरेक्टर ये दिखा रहा है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में और आप साथ वाला
ना 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 नहीं, मेरी सास बहुत प्यारी, प्यारी है को ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपने बहू से बहुत प्यार करती हूँ और इनफैक्ट तीनों बहू से बहुत प्यार करती हूँ। ये एक ऐसी माँ है जो अपनी बहुओं को भी उतना ही फ्रीडम देती है जितना अपने बच्चों को देती है, तो वो भी माता जी की भक्त है इसकी तरह, इसीलिए इन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है, माँ की और बहू की। और मैम जैसे कि शो का नाम है कुलदीप, तो इट्स लाइक एक लड़की, दीपक, तो एक लड़की के ऊपर होना चाहिए इस तरह का कोई मैसेज है कि लड़का होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तो, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुलदीपक हो तो लड़का ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है आजकल लड़कियां कहां पहुंच रही हैं। और कुलदीपक एक एडजेक्टिव है जो भी अपने कुल का नाम रोशन करता है, वो कुलदीपक हो सकती है, जैसे इन दिस केस ये भी हैं कुलदीपक, कोई और लड़की भी होती है, सो इट इज नॉट गिविंग आउट अ मैसेज कि लड़के ही हो सकते हैं, कुलदीप ऐसा कुछ नहीं। मैम आप कहते हैं कि 27 तारीख को मैं नहीं होने दूंगी, मतलब क्या है आपका कैरेक्टर? 27 तारीख को मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आऊंगी और इसके पीछे कोई कारण है, वो आपको जब आप शो देखोगे तब पता चलेगा। नहीं मैं दाइमा हूँ, मैं जैसे मैंने डिलीवरी के टाइम विद्या को हेल्प की है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चा मुझसे कनेक्टेड है, तो मैं बच्चे की देखभाल करने के लिए इस घर में आ रही हूँ और बच्चे की देखभाल करूँगी, दाइमा हूँ। प्रोमो देखकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है सोशल मीडिया में, मैंने जब देखा तो आप लोगों क्या रिस्पॉन्स आया आपके फ्रेंड्स लोग? सेम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या है शो में, क्या ऐसे दिखाया है, मतलब डिफरेंट। हाँ करेक्ट, कुछ शेयर करना चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्स मिला आपको? इनके लिए मुझे मिले, इनके लिए मुझे मिले और मैंने इनको बताया भी, मुझे जितने भी लोगों ने कॉल किया उन्होंने बोला कि तुम लकी हो कि हीरोइन बड़ी सुंदर है, सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट प्रोमो देखने के बाद। और मैंने इन्हें बताया भी था कि मैं बड़ा खुश हूँ कि हीरोइन सुंदर है, क्योंकि हीरोइन सुंदर होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। मैं शो के लिए तो यही कहना चाहूँगी, शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रिस्पांस मिले शो के लिए और मैं चाहती हूँ सब लोग देखें, तभी उनको पता चलेगा कि क्या है शो में, हम क्या लेकर आए हैं। हम सब बोल रहे कि नया है, कुछ अलग आने वाला है, बट व्हाट इज़ दैट? तो मैं चाहती हूँ सब लोग अच्छे से देखें। वो जो नया ट्विस्ट है इस शो में जो बाकी सारे शो से हटके हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस इस शो को ज़रूर देखे, हमें सपोर्ट करे और कुलदीपक एक बहुत अच्छा शो बने। या एंड फॉर ऑल दोस क्रिकेट लवर्स आउट देयर, आईपीएल के पहले शो आएगा 7 बजे, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, क्रिकेट भी देख सकते हैं, इसीलिए 7 बजे रखा गया है कुलदीपक को, सो प्लीज वॉच 7 PM ऑन एन टीवी फ्रॉम 27th March। थैंक यू, विल गो फॉर फोटोज, कूल, वेलकम। आपको क्या चाहिए? अभी पेट का बोल रहा है, मैं आपको चॉकलेट देने दे।